विधानसभा में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने शून्यकाल में नागौर मुठभेड़ मामले में बयान दिया। बयान में कटारिया ने कहा कि फॉर्च्यूनर में महिपाल सिंह की मिली आईडी से वाहन में आनंद पाल सिंह गैंग के अपराधी के होने की प्रबल संभावना है, हालांकि इसे पुख्ता रूप से कहना ठीक नहीं है। उन्होंने फिर एक बार कहा कि इस गैंग को हम पकड़ कर छोड़ेंगे। कुख्यात अपराधी आनंद पाल का मुद्दा शून्यकाल में सदन में जोर शोर से उठा। विपक्ष की मांग पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने आनंद पाल मामले में सदन में वक्तव्य दिया। कटारिया ने कहा कि नागौर में मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने 35 राउंड फायरिंग की, जबकि क्यूआरटी दल ने 19 राउंड फायरिंग की। 4,70,500 रुपए नगद बरामद हुए और 500 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले। 100 ग्राम अफीम और 12 ग्राम चरस मिले। कटारिया ने कहा कि बरामद सामग्री का एफएसएल परीक्षण जारी है। कटारिया ने यह भी कहा कि 22 मार्च को उन्होंने जो बयान दिया था उसमें ये नहीं कहा था कि हमला करने वाले किस गैंग के थे। कटारिया ने कहा कि उन्होंने अज्ञात बदमाशों का नाम लिया था। कटारिया ने यह भी कहा कि राजू टेहट के गुर्गे ने फॉर्च्यूनर का जो नंबर बताया था वह अलग नंबर था और जब्त फॉर्च्यूनर की गाड़ी का नंबर अलग था। गृह मंत्री के मुताबिक पुलिस की पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है कि कार में आनंद पाल के गुर्गे महिपाल की आईडी तो मिली, लेकिन यह कहना अब भी जल्दबाजी होगी कि गाड़ी में आनंद पाल था या नहीं। कटारिया ने यह भी कहा कि उनके और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बहस में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि इस मामले में एसएचओ ने नाकेबंदी कराई थी और नागौर की टीम बाद में आई थी। डूडी ने आरोप लगाया कि आनंद पाल के पीछे जरूर कोई है जिससे इतना बड़ा अपराधी खुला भाग रहा है। डूडी ने अपने चाचा की गाड़ी लूटे जाने की वारदात पर कहा कि मैंने आईजी एसपी को फोन कर दिया, फिर भी गाड़ी नहीं पकड़ी गई। इसमें पुलिस की शह लगती है। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल यूपी बिहार जैसा हो गया है। निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी आनंद पाल मामले में सरकार को घेरा। आज 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया आनंद पाल को जेल से भागे हुए, लेकिन राजस्थान की पुलिस, मैं समझता हूँ राजस्थान के गृह मंत्री जी और राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से बेबस और लाचार हो गई है कि वो अपराधी राजस्थान में घूम रहे हैं। एक अपराधी राजस्थान की जेल में बैठा हुआ अपराध को अंजाम दे रहा है और दूसरा सरेआम राजस्थान के अलग अलग जिलों में घूम करके इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है। जो आनंद पाल अभी पुलिस के जवानों पर गोलियां चला के और सिविलियन को घायल करके पुलिस की घेराबंदी और नाकाबंदी तोड़ के भागा है, इससे बड़ी चूक राजस्थान सरकार की हो नहीं सकती। पहले तो 7 महीने अपना जवान खो दिया, पुलिस की जो पोल है वो जनता के सामने आ गई, सदन चल रहा है और हम राजस्थान की सरकार को बताना चाहते थे कि आपकी पुलिस की किन कमियों की वजह से आनंद पाल भागा। कांग्रेस ने नागौर में हुए मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि पूरे मामले में सच से पर्दा उठ सके। शशिमोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।